सैया भये कुतवाल तो अब डर काहे का। बेंगाबाद प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय सभागार में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक प्रमुख मीना देवी की अध्यक्षता में हुई। बताया जाता है बैठक में कई मुद्दों पर और कई योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्यों के अलावे कई मुखिया और सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। बताया जाता है इस बैठक के बाद सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने कहा कि जल नल योजना में भारी गड़बड़ी की गई है, इसकी शिकायत लगातार क्षेत्र से मिल रही है और इसके लिए हम लोगों ने कई बार वरीय पदाधिकारियों को भी सूचित किया है, लेकिन जल नल योजना की ऐसी मजबूत दावेदारी है जिसके कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बात पर उन्होंने कहा कि सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे का। उनके कहने का साफ अर्थ था कि जल नल योजना विभाग के पदाधिकारियों से आलाधिकारियों से मिली भगत है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल और कैसे हुई पंचायत समिति सदस्यों की बैठक और किन योजनाओं पर हुई चर्चा। तो फिर बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। लोग उपस्थित हुए, अपने अपने क्षेत्र की समस्या को रखे हैं और उसी कड़ी में बहुत सी विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें पेयजल, जल नल योजना प्रमुखता से रहा। जितना भी जल नल योजना का कार्य किया गया है, कहीं भी उसको सही रूप से प्राकलन के अनुसार कार्य नहीं किया गया है। खाना पूर्ति किया गया है, 25% भी टावर सक्सेसफुल नहीं, बोरिंग सक्सेसफुल नहीं है और भारी राशि में लूट हुई है। ये मामला भी प्रमुखता से रहा। साथ ही साथ भिन्न भिन्न विषयों पर भी चर्चा रहा, लोग अपने अपने बात को रखे और जो भी पदाधिकारी उससे संबंधित से उनको हिदायत कहिए, आग्रह कहिए, कहा गया है कि ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को करें। विचार लोग अपने अपना व्यक्त किए हैं, ऐसा नहीं कि अब एकक व्यक्ति के पीछे सरकार ने जो कर्तव्य दिया है, लोगों को अधिकार दिया है, सबके पीछे तीन तीन को दरोगा बहाल नहीं हो सकता है कि कितना अपना भी जिम्मेवारी ईमानदारी लोगों को बनता है, कर्तव्य बनता है। तो यही सब बात बोला गया और लोगों से आग्रह किया गया कि अपने जिम्मेवारी और ईमानदारी के साथ क्षेत्र में जनता से जो जनता की जो मूलभूत सुविधा की जो बात है, कार्य है, उसको जमीन पर उतारने का काम करिए, ताकि जनता को समुचित जो भारत सरकार का योजना है या राज्य सरकार की योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, वो जमीन पर उतरे, जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले। इसमें किसी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरतें और यदि कोताही कोई बरतेंगे तो अब हम लोग आंदोलन भी करेंगे, लिखित भी करेंगे और जो भी हम लोग कार्रवाई के लिए बन सकेगा हम लोग अब करेंगे। क्योंकि लेकिन हम लोग किसी को व्यक्तिगत तौर पर दोषी और कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो अधिकार बनता है और जो लोगों को दिया गया है सरकार से योजना, उसका लाभ देने में अगर कोई कोताही बरतता है तो निश्चित तौर पर हम जनप्रतिनिधि को अगर चुप रहते हैं हम तो फिर यह गलत होगा। इसलिए हम लोग का भी कोई दायित्व बनता है कि ये सब बातों पर हम लोगों को भी गौर करना चाहिए और जितने भी जनप्रतिनिधि सबको गौर करना चाहिए, देखना चाहिए और उसके लिए लड़ना भी चाहिए। प्रखंड क्षेत्र में जल नल योजना की लूट मची है, लगातार शिकायतें मिल रही है, क्या इस पर कोई एक्शन की बातें नहीं आ रही है अभी तक? ना कोई जांच हो रहा है? सैया हो कोतवाल तो काहे का डर। हम जिला परिषद में बात उठाते हैं तो जिला परिषद में जो भी उसे हम सदस्य है, मान लीजिए तो सदस्य ऊपर जो भी पदाधिकारी है, लूट का शेयरदार हो जाते हैं। पंचायत में यदि ऐसे आया तो हर जगह पर जाइएगा तो किसके पास जाइएगा? मान लीजिए एक कोई विधायक है, विधायक को गलती क्षेत्र में हो रहा है, लूट हो रहा है, ये मामला विधानसभा में उठाएगा और विधानसभा में मुख्यमंत्री यदि बिक जाए तो आप किसके पास जाइएगा? तो ये स्थिति बना हुआ है। आप यहाँ से आंदोलन करिएगा, बात को उठाइएगा तो फिर ऊपर में लोग मन ही मन मुझ सकता है कि अरे तुमको बात उठाने से क्या होगा, तुम्हारा जो मालिक है, जो अध्यक्ष है, हम तो उसी को अपने गिरवान में जकड़ के रखे हुए हैं। ये मामला क्षेत्र में है तो इसी पर हम बोले कि सही हो कोतवाल तो काहे का डर। तो लेकिन जनता अब जाग चुकी, नहीं चलेगा बहुत दिन और इसके लिए
अब चुनाव के स्थिति नजदीक आ गया है तो फिर हम लोग लिखे हैं, जांच कमेटी भारत सरकार से भी आने वाली थी, अब देर क्यों हो रहा है फिर इस पर देखते हैं। अगर आचार संहिता लग गया तो निश्चित तौर पर विलंब होगा, नहीं तो सारे जो भारत सरकार की योजनाएं हैं सब पर हम लोग जांच कमेटी पीएमओ से मांग किए हैं और वहां से हम लोग क्षेत्र में हम लोग अपने खुद बाय खुद घूमेंगे और दिखाएंगे जो कमी और खामियां रही है, कितनी बड़ी लूट हुई है, सबका पर्दाफाश हम लोग करेंगे। छोड़ने वाले भी हम लोग नहीं हैं, लेकिन समय गुजर रहा है इसके लिए हम लोगों को तकलीफ है, खेद है, लेकिन चोर कभी भाग नहीं सकता, चोर कभी दुरुस्त भी नहीं हो सकता चोरी कर। प्रशासन चाले तो नहीं कहता है कि गाड़ा हुआ मुर्दा भी बोलता है, तो सरकार चाले उसका एजेंसी चाले लूट का पर्दाफाश के लिए तो सब कुछ सामने में आ जाएगा और चोर पकड़ा जाएगा। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।